नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः एक बार स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के इस श्रृंखला में, जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी और UPPCS के अंतर्गत जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन श्रृंखलाओं के अंतर्गत हम लोग चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो बताइए दोस्तों, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। आर्यों की भाषा कौन सी थी? हिंदी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा संस्कृत। जी, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जो हमारे इतिहास के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्या कह रहा है कि देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? आलमगीरपुर, हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है क्या है। जी, इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो, जिसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग 640 ईस्वी में कांची आया था? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या कह रहा है कि सिंह विष्णु के शासनकाल में, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में, नरसिंह वर्मन के शासनकाल में, या महेंद्र वर्मन के शासनकाल में। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। किस, ये भी जान लीजिए किसके शासनकाल में आया था, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो उसने यहाँ पर शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि अली नगर की संधि कब हुई थी? 1750 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में। तो बताइए इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है। जी, इसका सही उत्तर है दोस्तों 1757 ईस्वी में अली नगर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रॉबर्ट कलाइयू और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? थोड़ा सा एक मात्रा यहाँ रह गया है, ठीक है, लगा लीजिएगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए। जी, इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय और जो मुगल वंश का शासक था, और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट कलाइयू के बीच। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मैसूरों के बीच, ठीक है, वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था वो बताना है आपको। लॉर्ड डिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड वेलजली। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। जी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कह रहा है कि टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित था? कोयम्बटूर में, श्रीरंगपट्टम में, वेनाड में, थारपुरम में। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। जी, श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान का मकबरा था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर
सबसे पहले शासन किया? हर्यक राजवंश ने, शिशुनाग राजवंश ने, नंद राजवंश ने, मौर्य राजवंश? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए। जी इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है राज हर्यक राजवंश। तो इसका जो शासक जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था, ठीक है, जिसने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा है सेल्यूकस अपने राजदूत, ठीक है, मेगस्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? कालाशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बिंदुसार के समय में, अशोक के समय में? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीस को, ठीक है, भेजा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद यानी बौद्ध सभा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सभा भी कह सकते हैं या परिषद भी कह सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए क्या है। जी इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, बौद्ध सभा का पहला, ठीक है, आयोजन हुआ था। आगे आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो के सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है, लोथल सभ्यता के, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जल्दी से उत्तर बताइए आप, क्या इसका उत्तर सही है? जी तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारे क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी बताना है आपको, राखल दास बनर्जी साहब ने, दयाराम सानी ने, सर मोर टीमर बिलर महोदय ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइएगा, ठीक है, वर्ष 1921-22 में दयाराम सानी ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कह रहा है कि मोहन जोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, मूर्तियों का स्थल, चूड़ियों का बाजार, इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका है मोहन मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, यानी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? कालाशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने? तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, किसने लिखवाया था? तो अशोक ने लिखवाया था शिलालेखों पर। आप जानते होंगे बौद्ध धर्म का प्रचारक था, जो कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या किया था, अपना धर्म परिवर्तन करके इसने क्या किया था, हिंसा से अहिंसा के मार्ग पर चल बैठा था ये, तो इसने क्या किया था, अपने योगदान को लिखवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित आगे देखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शोर, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलजली? तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो कौन था वो था लॉर्ड विलजली। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने, महेंद्र वर्मन सेकंड ने, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, परमेश्वर वर्मन ने? तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, किसने करवाया था कांची में जो स्थित है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, तो इसको करवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, पाल राजवंश के संस्थापक कौन था, ठीक है, या कौन थे? तो गोपाल प्रथम, धर्मपाल, देवपाल, उपोक्त सभी, ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका है गोपाल, गोपाल प्रथम पाल वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपसे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है वो चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर का देखेंगे, पांड राजवंश का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? मेगस्थनीज ने किया था, पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है, ठीक है, रामायण में किया गया है, या कल्लड़ की राजतरंगिणी में? तो बताइए इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है मेगस्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है, इंडिका, ठीक है। इंडिका में क्या किया गया है, पांड्य राजवंश के विषय में बताया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा कह क्या गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, कह रहा है वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता, बृहदजतक, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या है, इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है उपयुक्त सभी। ये तीनों पुस्तकें, ठीक है, वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो अक्सर मिलाने के लिए भी दे दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, कह रहा है कि सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में क्या है, ठीक है, सिमुक, कान्हा, सतकर्णी, शिवास्वती। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सिमुक। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कह रहा है कि दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो बताइए दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य ने, विनयादित्य ने? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, दक्षिण भारत का जो पहला शासक था जिसने क्या किया था, स्वर्ण मुद्राएँ जारी की थी, ठीक है, सोने की मुद्राएँ इसने जारी की थी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, घटोत्कच, इसको कर लीजिए, टा कर लीजिएगा, ठीक है, घटोत्कच या श्रीगुप्त? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने क्या किया था, गुप्त साम्राज्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, कह रहा है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? मिनाज सिराज महोदय थे, एन उल मुल्क मुल्तानी, जियाउद्दीन बरनी या अलबरूनी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो बताइए क्या है, जी इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये दोनों पुस्तकें हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कह रहा है कि बौद्ध गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? तो ऑप्शन आप देखिए, कुशीनगर में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में? तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। तो सारनाथ को कभी कदार ऋषिपत्तम भी लिखा रहेगा, तब भी आप मानिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका प्राचीन नाम क्या है, ऋषिपत्तन था, ठीक, ऋषिपत्तन भी था जिसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए हैं कि गौतम बुद्ध की पहली सभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दोस्तों हमारे कुल 25 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर किसी प्रकार की कोई आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन दोस्तों समाप्त होते हैं। अगली कड़ी में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।